सरसों की जगह गेहूं का रजिस्ट्रेशन किए जाने के विरोध में किसानों का धरना तीसरे दिन भी जारी रहा। किसान गेहूं के रजिस्ट्रेशन के स्थान पर सरसों का रजिस्ट्रेशन करने की मांग कर रहे हैं। गौरतलब है कि सरकार ने सरसों की खरीद सुनिश्चित करने के लिए किसानों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य कर रखा है, जिस पर कृषि विभाग काम कर रहा है। कथूरा गांव के रहने वाले किसान सत्यवान नरवाल की 2.5 एकड़ सरसों की फसल है। पिछले सप्ताह सत्यवान ने कृषि विभाग में जाकर अपनी सरसों की फसल का रजिस्ट्रेशन करवाया था, जिसे विभाग ने मार्केट कमेटी को भेज दिया। जब मार्केट कमेटी से इस बारे में जानकारी मांगी तो सत्यवान नरवाल का रजिस्ट्रेशन सरसों की बजाय गेहूं का मिला। इस पर भड़के सत्यवान पिछले कुछ दिनों से अधिकारियों के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। जब किसान सत्यवान की समस्या का हल नहीं हुआ तो सत्यवान 3 दिन पहले गुहाना की अनाज मंडी में मार्केट कमेटी के गेट पर धरने पर बैठ गया। अब किसान सत्यवान को और किसानों का भी समर्थन मिल रहा है। सत्यवान का कहना है कि जब तक अधिकारी अपनी गलती नहीं मान लेते और उसकी सरसों की फसल का रजिस्ट्रेशन नहीं कर देते, उनका धरना जारी रहेगा। हम मैंने 22 फरवरी को अपनी फसल की रजिस्ट्रेशन कृषि विभाग में करवा दी और कृषि विभाग वालों ने फॉर्म कंप्लीट करके और मार्केट कमेटी को 23 फरवरी को दे दिया और उन्होंने 23 फरवरी को अपलोड भी कर दिया। और वो फार्म है वो बिल्कुल उसमें मोटे अक्षरों में ऊपर लिखा हुआ है मस्टर्ड के लिए है ओनली, और इन्होंने पता नहीं साजिश के तहत किया क्या, इनसे कोई गलती हुई, इन्होंने सरसों की बजाय 2.5 एकड़ वो गेहूं में रजिस्ट्रेशन कर दिया। तब यहाँ सोनीपत की जब लिस्ट आई कि फला गांव का फला धन बिक्री होगी, जब मेरे गांव पूरा कथूरा गांव का नाम नहीं आया तो मैंने यहाँ आन के इंक्वायरी की, भाई कथूरा गांव का नाम नहीं आया तो कहने लगे कथूरा गांव में किसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है। मैंने कहा मैंने तो रजिस्ट्रेशन करवाया है, 2.5 एकड़ मैंने बो रखी है। तब देखा तो मेरा वो सरसों की बजाय गेहूँ हो पाया। तो वहीं गुहाना मार्केट कमेटी के कार्यकारी अधिकारी संदीप लोहान से बातचीत की तो उन्होंने स्वीकार किया कि ये तकनीकी कमी के चलते सरसों की बजाय गेहूं का रजिस्ट्रेशन हो गया और वे बोर्ड में दोबारा से पत्र लिखकर इसे ठीक करवाने के लिए अपील डाल चुके हैं, लेकिन ऑनलाइन पोर्टल बंद होने की वजह से ठीक करने में दिक्कत आ रही है, मगर ये कब तक ठीक होकर आएगा ये उन्हें भी नहीं पता। ये जी किसान है सत्यवान सिंह, इनका फॉर्म आया था वो पूरा कम्प्लीट नहीं था और क्लेरिकल गलती की वजह से वो मस्टर्ड की जगह वीट सेक्शन में अपलोड हो गया और इसके दुरुस्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन पोर्टल जो रजिस्ट्रेशन का है वो बंद हो चुका है। वो मुख्यालय को और जिला प्रशासन को लिख दिया गया है ताकि किसान को समस्या ना हो, और हमारी कोशिश है कि भी जल्द से जल्द ये समस्या है उसका समाधान कर लिया जाएगा ताकि किसानों को परेशानी ना हो। वहीं दूसरी ओर गोहाना की अनाज मंडी में सरसों की सरकारी खरीद नहीं होने से गोहाना और गोहाना के आसपास के किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि सोनीपत जिले के किसानों के लिए सरकार ने सोनीपत मंडी में ही सरसों के लिए एक ही परचेज सेंटर बनाया है, लेकिन वहां भी अधिकारी उनकी फसल में नमी बताकर खरीदने से इनकार कर रहे हैं, जिसके चलते किसान दूसरी मंडियों में आढ़तियों को अपनी सरसों की फसल को कम दामों में बेचने पर मजबूर हैं। मंडी में क्या दिक्कत आ रही है बिकने की? पहले हम सोनीपत ले गए थे सरसों में, वहाँ भी नहीं बिकी, फिर हम गुहाना ले गए, यहाँ भी 3200-3300 रुपये व्यापारी लगा रहे हैं, जबकि सरकार का समर्थन मूल्य जो है 4500 रुपये है, 4500 बिक नहीं रही, व्यापारी हमारे को लूट रहे हैं, कभी नमी बता रहे हैं कभी कुछ बता रहे हैं, तो 3200-3300 लेने की कोशिश कर रहे व्यापारी। हाँ दिक्कत ये आ रही है, सरकार का जो रेट है 4500 रुपये है, कैसे अपनी फसलों कैसे लटवाए हम। बहरहाल किसानों के अनाज की खरीद को सुनिश्चित करने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है, लेकिन जब अधिकारियों की वजह से सरसों की खरीद की जगह गेहूं की खरीद का रजिस्ट्रेशन कर दे तो पहले से परेशान किसान बेचारा क्या करे। अब देखना होगा कि ऑनलाइन पोर्टल कब तक ठीक होता है और गलत रजिस्ट्रेशन कब तक सही होता है। गोहाना से सुनील जिंदल की रिपोर्ट।